जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, जिंदाबाद होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता था, आज आपकी 9 फरवरी को यूपी लेखपाल वैकेंसी से संबंधित आपकी सुनवाई थी और आपको जैसा कि बताया गया था कि आपकी जो सुनवाई है उस पर सुनवाई शुरू होने वाली है आज कुछ ही समय में। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आज भी आपकी जो सुनवाई है वो लेफ्ट ओवर हो सकती है, उसके लेफ्ट ओवर होने के चांसेज है। आखिरकार क्यों फिर से नई तारीख मिलेगी वो आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इसलिए आज की सुनवाई को लेकर यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी जो ऑफिशियल अपडेट आए उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाए, जो भी इंफॉर्मेशन कोर्ट से संबंधित आपके यूपी लेखपाल के ऊपर आए उससे आप अवगत हो जाएं। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो आपकी आज की सुनवाई है 9 फरवरी की, आप देख रहे हो यह पिछले कई महीनों से आपकी लेफ्ट ओवर होती हुई आ रही है, यानी कि अंतिम निर्णय निकलकर नहीं आ रहा है। ऐसा ही आज देखा जा रहा है कि आपकी जो सुनवाई है अभी तक उस पर कोई भी निर्णय निकलकर नहीं आ रहा है। कुछ समय बाद आपकी जो कोर्ट की कार्रवाई है वो भी बंद हो जाएगी, यानी कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि आज भी आपका कोई भी जो निर्णय है, जो ऑफिशियल अपडेट है, वो निकलकर नहीं आएगा। जैसा कि पूर्व की भांति जैसा चलता आ रहा है, उसी प्रकार से आज भी आपको अगली सुनवाई के लिए कोई ना कोई तारीख मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से बच्चों को बहकाया जा रहा है, नजदीकी एक तारीख दे दी जाती है, फिर उसकी कोई सुनवाई आती है तो उसको भी लेफ्ट ओवर कर दिया जाता है। इससे अच्छा तो ये है कि कम से कम एक बार ही 2-3 महीने बाद की सुनवाई दे दें, कम से कम बच्चे परेशान तो नहीं होंगे, उस दिन सुनवाई तो हो सकेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि बार बार बच्चों को परेशान किया जाए, बहकाया जाए कि अगली 4 दिन पीछे फिर आपकी डेट दे दी है, 4 दिन पीछे बाद फिर आपकी सुनवाई होगी। बच्चे फिर सोचेंगे कि चलो 4 दिन बाद कोई निर्णय आए, और जबकि होना क्या है, 4 दिन बाद भी आपकी कोई ना कोई नई सुनवाई मिलने वाली है। आप यहां पर देख सकते हो, थोड़े समय बाद आपका जो कोर्ट है उसकी कार्यवाही बंद हो जाएगी। विवेक राम चौधरी जी जो आपके वकील है, जो आपके वो जज है, वो भी आपके घर चले जाएंगे। अब बताइए, उसके बाद कार्रवाई कौन करेगा, यूपी त्रिपल्लीसी आयोग? मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि किस प्रकार से बच्चों के साथ एक फिल्म बनाई जा रही है, किस प्रकार उनसे खेला जा रहा है, कि यानी कि एक लॉलीपॉप दे दी कि आज आपकी सुनवाई है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं, केवल यहां पर एक तरह का तुम्हारे एक नाटक बना दिया कि सुनवाई होगी और अगली हम सुनवाई के लिए डेट दे देंगे। यानी कि यहाँ पर अभी तक कोई निर्णय निकलकर नहीं आया, तो यानी कि 80% चांस हो गए कि आज कोई निर्णय निकलकर नहीं आने वाला, फिर से आपको एक नई तारीख मिलेगी। लेकिन ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, तब तक हम ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाते, तब तक हम थोड़ा सा फिक्स नहीं कह सकते कि आगे की सुनवाई ही मिलेगी। जैसे ही कार्रवाई समाप्त होती है, जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटस आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, उस स्टेटस के माध्यम से आपको पता चल सकेगा कि आखिरकार निर्णय क्या निकल कर आया है और आपको आगे की डेट कब मिलेगी। लेकिन याद रखना, अभी तक कोई भी इन्होंने निर्णय नहीं निकाला है, तो इससे चांसेस बढ़ गए हैं कि आगे की आपकी तारीख मिलेगी। तो दोस्तों, और भी जो भी कोई अपडेट आएगा, मैं फिर से उस अपडेट के साथ लाइव प्रूफ लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के अपडेट्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है वो आपको समय-समय पर मिलती रहे। क्योंकि यूपी त्रिपल्लीसी आयोग और कोर्ट ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है कि आपकी भर्ती को कोई पूरा भी कराएगा, उन्होंने तो ठान लिया कि यूपी लेखपाल बच्चों का भविष्य बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन याद रखना, आप भी अपने हक के लिए लड़ना है। 13 फरवरी दूर नहीं, लोग भवन की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, ये लेखपाल के बच्चे, पूरा AKGS रिसर्च सेंटर आपके साथ है। इसलिए टेंशन ना लीजिए, देखते हैं आखिरकार आज ऑफिशियल अपडेट क्या आता है, क्या स्टेटस अपलोड किया जाता है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूपी हाई कोर्ट की पर। जैसे ही अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले उस अपडेट को लेकर आऊंगा। मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।